आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टीयरिंग रैक की रिपेयरिंग। जो स्टीयरिंग रैक आवाज़ करने लगती है नॉर्मली, उसको पूरा स्टीयरिंग रैक को चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। और आज हमारे पास है हुंडई की i10 गाड़ी, इसका स्टीयरिंग रैक रिपेयर करना आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हुंडई की i10 गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इसको चलाने में गाड़ी में आवाज़ आती है, कुछ लूजनेस फील होता है स्टीयरिंग से लूजनेस फील होता है, लूज़ होती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। ये देखिए, ये स्टीयरिंग ऐसे घुमाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आवाज़ आती है, किट किट की आवाज़ भी आती है, और गाड़ी चलने में आवाज़ करती है, रफ रोड पर आवाज़ करती है। तो दोस्तों ये स्टीयरिंग रैक जो है, हम एजेंसी में हमने इसको दिखाया, हुंडई एजेंसी में, जिसका खर्चा हमें 10,000 रुपये बताया गया था। इसको आज मैं आप बताता हूँ कैसे रिपेयर करना है, क्या इसके अंदर चीज़ होती है जो बहुत कम खर्चे में, मात्र 200 रुपये के खर्चे में पूरा स्टीयरिंग रैक ओरिजिनल हो जाने वाला है। तो ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिए। ये देखिए, पहले इसका हमने व्हील निकाला है, व्हील निकाल के हमें इसे नीचे की रैक निकालनी है। नीचे की रैक में अंदर की तरफ ये स्टीयरिंग का एक रैक लगी रहती है, जिसके अंदर पिनियन चलती है, जो हमारे ऊपर के मोटर से जुड़ी रहती है। हम मोटर में क्रॉस लगाकर स्टीयरिंग व्हील से जोड़ा जाता है। स्टीयरिंग व्हील जब हम घुमाते हैं तो उसको आगे पीछे वो करते रहता है। तो उसके थ्रू जो हमारे वॉल जॉइंट होते हैं, जो व्हील से कनेक्ट होते हैं, वो उसको मोड़ने का काम करते हैं। ये देखिए, ये जो बूट दिख रहा है आपको, ये स्टीयरिंग रैक है मेन। और ये इसको हमें उतारने के लिए पहले पूरा नीचे का ये जो सेट है, ये नीचे उतारना पड़ेगा। इसको नीचे उतारने के लिए गाड़ी में जैक लगा के अच्छे से ऊपर उठा लीजिए। साइलेंसर वगैरह सब खोलना पड़ेगा आपको। साइलेंसर खोल के ये देखिए, हमने ये पूरा प्लेट के साथ ये रैक उतार लिया है। अब ये रैक जो है, इसको आपको बड़ी सावधानी से खोलना है, साफ़ करके पहले इसको थोड़ा साफ़ कर लीजिए। और ये वॉल जॉइंट है, वॉल जॉइंट इसके उतार लीजिए। वॉल जॉइंट उतारने हैं, वॉल जॉइंट लॉक होता है, लॉक उसका ढीला करके आपको ये निकाल लेना है। वॉल जॉइंट अलग करेंगे, नीचे की ट्रे से ये पूरा रैक जो है अलग हो जाएगा। इस रैक में दोस्तों बहुत छोटी सी मिस्टेक है, बहुत माइनर मिस्टेक, और इसकी वजह से हमें ये पूरी रैक चेंज करनी पड़ती है जब निकालेंगे ये बूट ना। और ये पूरी रैक की जो कॉस्ट है दोस्तों, लगभग ये i10 की जो रैक है 7,700 रुपये की रैक है, और बाकी लेबर चार्ज प्लस ग्रीसिंग वगैरह लगा के लगभग 10,000 रुपये की कॉस्टिंग हुंडई एजेंसी में आती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक बुश रहता है प्लास्टिक का रैक के अंदर, जिस बुश के ऊपर रॉड चलती है। वो नॉर्मली क्या होता है, बुश जब घिस जाता है और ग्रीस अंदर का सूख जाता है, तो वो वाइब्रेशन वाली रोड पे खड़खड़ाहट की आवाज़ करता है, जो गाड़ी को स्मूथ नहीं होने देता। आप कितना भी काम करा लो, सस्पेंशन करा लो, शॉकर नए डाल लो, लेकिन गाड़ी आपको स्मूथ फील नहीं होगी। तो इसके लिए हमको वो बुश चेंज करना है। बुश चेंज करने का ये प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। बुश जो है दोस्तों, आसानी से मार्केट में मिल जाता है, ओरिजिनल मिल जाता है, क्योंकि जो वेंडर एक कंपनी को सप्लाई करते हैं बुश, वो मार्केट में लूज बुश भी देते हैं। लेकिन एजेंसी में जब आप जाएंगे तो वो लोग आपकी पूरी स्टीयरिंग रैक चेंज करेंगे। देखिए, वॉल जॉइंट हमने हटा दिया। वॉल जॉइंट हटाने के बाद ये इसको ऊपर वाला जो नट है, जहाँ से इसको मूव होता है, वो खोलना है। और ये बड़ा नट है, इसके लिए स्पेनर वगैरह चल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको पाइप रिंच से खोल लीजिए। पाइप रिंच से इसको खोलिए, अच्छे से घुमा के, थोड़ा सा लॉक रहता है, थोड़ी ताकत लगेगी। ये ध्यान रहे दोस्तों, स्लिप ना करें। स्लिप करने से क्या होता है ना, बोल्ट ख़राब हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा जाम है, तो इसमें कुछ स्प्रे वगैरह डाल दीजिए, WD-40 यूज़ करते हो, या कुछ भी नहीं है तो पानी लगा लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तभी भी लूज़ हो जाता है। ये खुल गया। अब ये खोलने के बाद अंदर एक पिनियन निकलेगा, जो कि दांते वाली जो रैक रहती है, जिसके अंदर कट्स बने रहते हैं, वो दांते में
चलता है, जैसे हम लोग स्टेयरिंग को मूव करते हैं, घुमाते हैं इधर से उधर, वो दाते पे चलता रहता है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है दोस्तों, बहुत सिंपल, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये देखिए, यही नॉर्मल हमारा कनेक्ट रहता है स्टेयरिंग में। इसके लिए हमको ये टेम्पर भी खोलना पड़ेगा, ये टेम्पर किट रहता है यहाँ पे, जो उसको प्रेस करके रखता है। ये दो शाफ्ट हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, अभी खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। ये उनको अच्छे से चिपका के रखने के लिए, ताकि वो आवाज़ ना करें। टेम्पर किट होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होगा, वाल्व होगा, वाशर होंगे, वो भी अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। थोड़ा सील रहता है इसको, थोड़ा लूज़ करके साफ करके पहले यहाँ पर बोल्ट डाल के हम इसको खोलेंगे। और जब इसका काम करें तो ये बेहतर होगा कि टेम्पर किट भी चेंज कर दें। अभी मेरे टेम्पर किट अगर चेंज करने की पोजीशन में होगी तो वो भी चेंज कर दूँगा, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, 100-200 रुपए का वो भी है। जहाँ 10,000 रुपए लग रहे हैं एक तरफ को, तो आप 200-400 रुपए तो लगा ही सकते हैं। और दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ जुगाड़ हो गया या फिर ये चलने नहीं वाला। ये स्टीयरिंग रैक आपकी उतनी ही चलने वाली है जितनी नई। ये स्टीयरिंग रैक जो है दोस्तों, 80,000 गाड़ी चली हुई है, 80,000 किलोमीटर चलने के बाद इसको खोला गया है। लगभग 70-80,000 चलने के बाद लूज़ हो ही जाता है। ये हमने इसको खोल के पूरा निकाल लिया, और ये वो बुश निकला दोस्तों, ये जो ये बुश, ये हमको रिप्लेस करना होता है। ये बुश मैं लेके आया था, ये 200 रुपये का मार्केट में मिला मुझको, ओरिजिनल बुश। बाकी लोकल लेंगे तो आपको 50 रुपये का भी मिल जाता है ये, लेकिन ओरिजिनल जानना ज़्यादा अच्छा है। ये बुश जो है हमने यहाँ पर फिट कर दिया। थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों इसको फिट करना, इसमें बुश में क्या होते हैं, थोड़े से कट्स बने रहते हैं इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, साइड साइड में कट्स होते हैं। तो इसको धीरे धीरे दबा के चढ़ा लेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे इसके ऊपर जो रबड़ रहती है, ये रबड़ बाहर ना रह जाए। धीरे से इसको फिंगर से ना रबड़ अंदर करते रहेंगे, ग्रीस लगा के उसको अच्छे से फिट करेंगे। साइड में लॉक देखेंगे आपको, ये लॉक में जाके बुश फिट हो जाएगा। ये देखिए, साइड में लॉक आ गया ना, लॉक में बुश यहाँ पर फिट हो गया। मेन रीज़न जो था इसका वो यही था, जब ये बुश लूज़ हो जाता है, कट जाता है, पिनियन जो है इस पर चलती है, और वो जो सॉलिड रॉड है, ये दांते वाली, ये रॉड जो है वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ करने लगती है, और हम लोग परेशान होते हैं कि कहाँ से आवाज़ कर रही है, क्या आवाज़ है, क्यों है। जबकि ये छोटा सा इसका रीज़न है। और इसको ना लगाने से पहले दोस्तों क्या करना है कि इसमें ग्रीस बहुत अच्छे से लगाना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि ग्रीस जो है बहुत अच्छे से इसमें लगा लीजिए। ग्रीस में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक बार खुला है ये चीज़ें बार बार नहीं खुलती। एक बार खोला है तो इसको अच्छे से ग्रीसिंग वगैरह कर लीजिए। लगभग 200-250 ग्राम ग्रीस जो है इसमें भर दीजिए आप। पहले रॉड को ग्रीस लगाइए, फिर वो पाइप्स है जो, पाइप में ग्रीस भर दीजिए बहुत अच्छे से पूरा ग्रीस, और अच्छी क्वालिटी का ग्रीस यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बाहर का नहीं मामला, ये अंदर का चीज़ है ना, ये बार बार तो खुलनी नहीं है। ये एक बार हो गया तो आपकी कम से कम नहीं तो 60-70,000 किलोमीटर की छुट्टी हो गई। अब इसके बाद इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये स्टीयरिंग रैक आपकी बिल्कुल नए की तरह काम करेगी, बिल्कुल न्यू। बाकी इसमें ख़राब होने वाला कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो बुश था। ये सॉलिड रॉड है, ये घिसने का इसका कोई सवाल नहीं है, ठीक है। पिनियन के दांते हैं, दांते बिल्कुल परफेक्ट हैं, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। टेम्पर किट भी मैंने निकाली थी, टेम्पर किट मेरी ठीक थी, इसलिए मैंने टेम्पर किट चेंज नहीं की। अगर उसमें आपको लूजनेस लगती है, स्टीयरिंग की आवाज़ ऐसा लगता है कि ज़्यादा है, तो आप वो टेम्पर किट भी चेंज कर दीजिए। अब ये यहाँ पर पूरा ग्रीस भरना है हमको, इसको अच्छे से दोस्तों ग्रीस भर लीजिए। अब इसको जैसा हमने खोला था सेम वैसा ही इसको फिट कर लेंगे। ये देखिए, इसको ऊपर नीचे करके हम चेक कर लेते हैं, अच्छे से स्मूथ होगा ग्रीस जो है, बिल्कुल अच्छे से फिट करना है इसके अंदर, बढ़िया से भरना है। थोड़ा सा ग्रीस इससे ऊपर निकाल के ऊपर वाले बैरिंग में और ये पिनियन में लगा लेंगे। बैरिंग जो है ये चेक कर लेंगे पहले, लगाने से पहले हमारा बैरिंग बिल्कुल सही था। अगर इसमें आवाज़ या चाल हो तो बैरिंग भी रिप्लेस कर दीजिए। 60 रुपये का ये बैरिंग मिलता है, ये हमने लगा दिया। अब इसको लगा के मूव करते हुए, हिलाते हुए फिट कर देंगे।
हिलाते हुए फिट नहीं करेंगे तो वो दांतों में जाके नहीं बैठेगा। फिट करने के बाद इस पर चकनट लगाएंगे, चकनट लगाएंगे, ये टेम्पर किट जो है स्प्रिंग लगा के इसमें फिट करेंगे। ये नीचे का सेट था, ये हमने बिठा दिया है इसको, ऊपर का एक्सेस ग्रीस हटा दिया। अब ये स्प्रिंग, ये इसमें डालेंगे हम लोग, ये स्प्रिंग डाल दिया। अब इसके ऊपर का सेट हमको लगाना है, ये सेट लगा के पहले इसको चकनट हम लगा लेते हैं। ये चकनट लगाने से क्या होगा कि ये ऊपर नहीं होगा, इसके एक एक्यूरेट जगह पे फिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम टेम्पर किट को टाइट करेंगे तो फिर वहाँ से वो इसके जगह से हटने की संभावना रहती है। इसलिए पहले ये चकनट हमने एक इतना टाइट कर लिया कि ये हिले नहीं। अब इसको स्पिनर से जो है अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अच्छे से टाइट कर लेंगे, ऑलमोस्ट लगभग प्रोसेस कंप्लीट है दोस्तों। मेन जो काम था वो हो चुका है और यही इसकी प्रॉब्लम रहती है, बाकी इसमें कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं रहता है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो घिसती हो, घिसने वाला वो बुश था, बुश हमने रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा टेम्पर किट, कभी कभी स्प्रिंग लूज हो गया तो टेम्पर किट भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बैरिंग और जो ऊपर पिनियन में था, मैंने आपको दिखाया था वो बैरिंग, बस ये तीन चीज़ें इसकी मेन हैं। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो कि ख़राब होता हो। तो इसके लिए हमको स्टेयरिंग रैक ख़रीदने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, जब तक कि वो टूट ना जाए, डैमेज ना हो जाए। लेकिन एजेंसी में हम जाते हैं तो हमको वो लोग बोलते हैं कि नहीं जी, आपको ये पूरा रैक चेंज करना पड़ेगा। ये वॉल जॉइंट में भी हमको ग्रीस लगा लेना है, क्योंकि वॉल जॉइंट हैं मूव करते रहते हैं। अभी इसके ऊपर का प्रेशर नट हमको लगाना है। प्रेशर नट में ऊपर एक चकनट रहता है, चकनट की सेटिंग होती है, उसको अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्प्रिंग कभी हल्का लूज़ रहता है तो उसको आप सेटिंग के थ्रू टाइट करके फिट कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गया तो आप स्प्रिंग वगैरह सेट चेंज कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत एडजस्टिंग तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक इसको प्रेशर तक इसको टाइट किया। ये चकनट अलग है, ये अंदर का नट ये अलग है। हमने इसको फिट कर दिया है, अब इसको बोल्ट वोट लगा कर हम फिट कर लेंगे। फाइनल पे है दोस्तों, बस अब इसको टाइट कीजिए। टाइट करके अब इसको जो है ना मूव करके एक बार देखना है हमको। ये स्टेयरिंग जैसे इसको घुमाता है, वैसे हम इसको एक प्लायर से पकड़ के मूव करके देखते हैं ज़रा क्या पोजीशन है। ये देखिए, ये हमने इसको लॉक प्लास से टाइट करके इसको पकड़ लिया। अब इसको मूव करते हैं, ये देखिए, अब ये देखिए आगे पीछे हो रहा है ना, यही दोस्तों हमारे स्टेयरिंग को मूव करता है। ये देखिए, ये ऊपर नीचे ये चल रहा है, यही स्टेयरिंग को मूव करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। इसमें लूजनेस होगी, आवाज़ करेगा, टाइट फिट रहेगा तो कोई आवाज़ नहीं होगी। ये हम इसको टेम्पर किट यहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था एडजस्टिंग होती है, वो एडजस्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं, कितना लूज़ और कितना टाइट होना चाहिए वो वहाँ से कर सकते हैं। चक नट को ढीला कीजिए और अंदर वाले नट को टाइट कर दीजिए, फिट हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको रैक में लगा दिया, नीचे वाले ट्रे में। अब इसको हम फिट करेंगे। दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है ये आपके लिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आगे ऐसी और भी वीडियो लाते रहूँगा, और अलग अलग गाड़ियों की वीडियो लाऊँगा, अलग अलग परेशानियाँ, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आती रहती हैं, जिसके लिए हमें मोटे खर्चे करने पड़ते हैं, वो बहुत कम पैसों में बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को ज़रा भी कहीं कन्फ्यूज़न लगे, कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए, सारे कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। ये देखिए, इसको हमने नीचे रखा, नीचे लगा के इसको जैक से उठा के लगा लेंगे, और नहीं अगर एक बंदा और आपके पास तो दोनों तरफ से उठा के इसको फिट कर दीजिएगा। दोस्तों, ये रैक जो नीचे लगी रहती है ना, इसका जो ट्रे है, इस ट्रे को बिल्कुल भी लूज़ मत छोड़िए, इसको बिल्कुल फिट करना है। इसकी जो टाइटिंग है, अच्छी टाइटिंग होनी चाहिए, ज़रा भी लूजनेस इसमें होगी तो फिर ये आगे के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए इसको सारे बोल्ट जो है चेक कर लेना है, 70 से 75 के बीच में इसको टाइट करना है।
अच्छे से सारे बोर्ड लगा के। बोर्ड लगाते समय दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सलेंसर हम लोग खोलते हैं पैकिंग रह जाता है, पैकिंग का ध्यान रखना है, सलेंसर पैकिंग वो ज़रूर लगा लीजिए, पहले से ही ना खोए इसलिए सलेंसर में लगा के रख दीजिए वो सलेंसर पैकिंग फिट करके। और दोस्तों ये फाइनल हमने लगभग सारे कर दिए हैं, एक बार इसके हम बोल्ट वगैरह बाद में फिर चेक करेंगे। ये देखिए स्टीयरिंग रैक हमने लगा दिया इधर, ये वॉल जॉइंट भी कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसमें बस दोस्तों थोड़े से बोल्ट बाकी हैं, बोल्ट कस के इसको हम व्हील फिट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आप लोग कमेंट्स करेंगे मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे और भी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगा। अब ये फाइनल हो चुकी है गाड़ी दोस्तों, इसके बाद में इसका एक टेस्ट ड्राइव लूँगा, उसके लिए भी एक आपको नया वीडियो बनाऊँगा और वो बना के मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों लाइक कीजिए हमारे चैनल को, ये फिट हो गई गाड़ी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।